नमस्कार, मैं अनुराग न्यूज़ 47 से। आज हम बात करने वाले हैं एक प्यार की निशानी की, जो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, ताजमहल। ताजमहल आगरा में है। ताजमहल को मुगल सुल्तान शाहजहां ने बनवाया था अपनी रानी मुमताज़ महल की याद में, जब उनकी मृत्यु हो गई थी अपने 14वें संतान को जन्म लेने के बाद। ताजमहल को बनने में कुल 22 साल लगे। इसके निर्माण 1631 में शुरू किया था और 1653 में ये बनके तैयार हुआ। ताजमहल भारत की खूबसूरत जगह में से एक है और प्यार की निशानी भी, कि आप कितना प्यार करते हैं किसी से और उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। ताजमहल मुगल वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण के रूप में प्रतिष्ठित है। भारतीय और इस्लामी शैलियों का मिश्रण। अन्य यहाँ जुड़वे मस्जिद की इमारतें, सुंदर उद्यान और एक संग्रहालय शामिल है। दुनिया में सबसे खूबसूरत रचनों में से एक, ताजमहल भी दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित जगह में से एक है, जहाँ हर साल लाखों और करोड़ों देश और विदेश के लोग आते हैं। इसको 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था। इसके निर्माण में 20,000 कारीगर और मजदूर ने अपना योगदान दिया था। कुतुब मीनार, जो भारत की सबसे ऊंची मीनार मानी जाती है, ताजमहल की ऊंचाई भी उससे ज़्यादा है। ताजमहल की जो चार मीनारें हैं, वो भार को थोड़ी झुकी हुई हैं। इनका निर्माण ऐसे ही किया गया था कि तूफान आंधी जैसी आपदा आने पर मुख्य मकबरे को कुछ ना हो। ताज के मुख्य दरवाजे पे सुलेख लिखा हुआ है, जो आपका स्वागत करता है। इस सुलेख को तुलत में लिखा हुआ है। इसको अब्दुल हाक ने डिजाइन किया था, जिनको ईरान से बुलाया था। शाहजहां ने अब्दुल हाक के काम से प्रसन्न होकर उनको अमानत खान का इनाम उपहार के तौर पे दिया था। ताजमहल के निर्माण के लिए हर चीज को हीरे की तरह पकड़ कर चुनवाया गया था। इसके निर्माण के लिए 28 तरह के अमूल्य रत्न विदेश से मंगाए थे, जिन्हें 30,000 से ज्यादा हाथी लेकर आए थे। ताजमहल के मुख्य गुंबद का कलश पहले सोने का था, फिर 19वीं सदी में उसको काशे का कलश में बदल दिया। औरंगजेब, जो शाहजहां के पुत्र थे, जिन्होंने शाहजहां से विद्रोह करके ताजमहल और अपने पिता को कैद कर लिया था, उन्होंने अपने पिता की आखिरी इच्छा के तौर पे उनसे पूछा कि वे क्या चाहते हैं। तब शाहजहां ने अपनी आखिरी इच्छा में ऐसी जगह में कैद होना चाहा जहां उन्हें हमेशा हर समय ताजमहल दिखे। फिर उनकी मृत्यु के बाद उनको उनकी पत्नी मुमताज के साथ मुख्य मकबरे में दफना दिया गया। ऐसी अच्छी न्यूज़ जानने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ 47 को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। नमस्ते।